नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूलांक दो के लिए आने वाला 2021 का साल कैसा जाने वाला है। मूलांक दो के लिए आने वाले साल में उन्हें क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। काफी लोगों को यह नहीं पता कि मूलांक क्या होता है। मूल अंक, जब आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है उसको जब पूरी तरह से कैलकुलेट किया जाता है तो एक अंक निकलता है। जी हां दोस्तों, उस अंक को कैलकुलेट करिएगा और मैं उस अंक की कैलकुलेशंस आपको बता रहा हूं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2001 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 2 + 1, मतलब कि 1, 1, 2, 3, 4 और 5, तो इनका मूलांक क्या आ गया, नंबर 5। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जब ये वीडियो देखना है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखिए और देखिए कि आपका नंबर क्या आता है। क्या आपका नंबर 2 आ रहा है कैलकुलेशन में? अगर आपका 2 आता है तो वहां पर आपके लिए ये वीडियो है। या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका जन्म अगर 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या फिर 29 तारीख को अगर हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, अब आइए जानते हैं 2021 का साल आपके लिए कैसा जाने वाला है। 2021, 2 + 2 + 1 = 5। 2021, 2021 नंबर 5 मरकरी का ईयर। दूसरा 21 को अगर हम देखें तो 2 + 1 = 3 जुपिटर। और आपका नंबर 2 जो है वो चंद्रमा का नंबर है दोस्तों। नंबर 2 जो है वो चंद्रमा का अंक है यहां पर, और चंद्रमा और गुरु तो अति मित्र है, दे आर द क्लोजेस्ट फ्रेंड। गुरु और चंद्रमा अति मित्र, बट यहां पर देखा जाए तो बुध जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनिमी में रोल कैलकुलेट करता है। यहां पर राजनीति के क्षेत्र में आप सभी बहुत अच्छा करेंगे। राजनीति के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स से अगर आप जुड़े हुए हैं और आपका नंबर 2 है तो सफलताएं आपके कदम चूम सकती है। 2021 का साल इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो यहां पर आपको क्या करना है, अपने दिमाग को बैलेंस रखना है, मानसिक चिंताओं से दूर रहना है, जितना हो सके पेशेंस रखना है तो आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। नहीं तो मानसिक चिंताएं आपको परेशान करेगी और शांति अगर नहीं रखी तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और दाम्पत्य जीवन में भी आपको अच्छे तरह से सुख का अनुभव रहेगा। यहां पर देखा जाए तो अगर आप 2021 में कुछ नया काम करना चाहते हैं, नई योजनाएं बनाना चाहते हैं, नए सिरे से कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, नई जॉब सर्च करना चाहते हैं, नया घर बनाना चाहते हैं, आपके लिए 2021 का साल बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इस साल में आप ये सारे काम कर सकते हैं। अगर आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं, कोई कंपटीशन फाइट करना चाहते हैं तो भी 2 नंबर के लिए ये काम बहुत सही है। आप हर एग्जाम में पास हो सकते हैं, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ अगर देखें यहाँ पर तो ऐसा कोई भी काम जिसमें आप किसी ग्रुप को लीड कर रहे हैं वो काम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। किसी ग्रुप को अगर आप लीड करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, वहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे तक रख पाएंगे, ऐसे चांसेस बनते हैं। अगर आप अविवाहित हैं, शादी करना चाहते हैं तो शादी के लिए भी समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, शादी के लिए भी समय अच्छा है, प्रमोशंस के लिए भी समय अच्छा है। तो 2021 में आपको कहीं ना कहीं इसमें भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है, जितना आराम से शांत रह के और सरलता के साथ जो काम करने का प्रयास करेंगे उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, नोट कर लीजिएगा, ओवरथिंकिंग अच्छी नहीं है। जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा अगर आप बड़े लेवल पे हैं और किसी टीम को लीड कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रशंसा मिल सकती है, अप्रिशिएट किया जा सकता है। जी हाँ, और पॉलिटिक्स में भी अगर आप किसी बड़े लेवल पे हैं और किसी टीम को लीड कर रहे हैं, अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा।
स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए यह साल जो है वो विशेषकर लाभ वाला रहेगा। महिलाएं इस साल में 2021 में कहीं ना कहीं अच्छा कार्य कर सकती हैं, सुख का अनुभव कर सकती हैं, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। बिजनेस पर्सन के लिए भी 2021 का साल अच्छा रहेगा, परंतु ऐसे लोग जो यात्राएं करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, उन्हें थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग 2021 में आपके लिए अच्छी नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो 2021 में ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी है। अगर आपके कोई दुश्मन है, कोई दुश्मन आपको परेशान करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिलेगा, कोई नुकसान वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आप कहीं ना कहीं इस लेवल पे भी अपने आप में अच्छा कर सकते हैं। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है। इसके अलावा अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप न्यूज़ के फील्ड से रिलेटेड हैं, अगर आप किसी मार्केटिंग के काम से रिलेटेड हैं, अगर आप किसी मेडिकल के काम से रिलेटेड हैं, तो भी 2021 का साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। अगर आप फाइनेंस या फिर अगर आप मैनेजमेंट या फिर अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड से रिलेटेड हैं, तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने काम को बहुत ज़्यादा आराम से निकालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी यहाँ पर ना हो। कुल मिला के देखा जाए तो 2021 का साल नंबर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। नंबर 2 के लिए 2021 का साल किसी भी तरह से परेशान करने वाला नहीं है। बस थोड़ा सा अपने माइंड को बैलेंस रखना है, थोड़ा सा अपने आप को शांत रखना है। 2021 का साल आपको हर तरह से अच्छे रिजल्ट देने का प्रयास करेगा। 2021 के साल में आप क्या कर सकते हैं, 2021 के साल में आप मून स्टोन, चंद्रमा का जो स्टोन है वो पहन सकते हैं, आप पुखराज पहन सकते हैं, गुरु का स्टोन आप पहन सकते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन गज के इस योग बनाता है, अच्छा योग बनाता है, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी स्टोन पहनने से पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस ज़रूर करवा दीजिएगा। अगर आपकी कुंडली में है तो ही उस स्टोन को धारण करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। इसके अलावा क्या करना है, दूध आप दान करें, दूध का दान आपके लिए फायदा देगा, दूध का दान आपको शत्रुओं से दूर रखेगा, और दूध के दान से आपको अपने हर एक कार्य में सफलता मिलेगी, हर एक कार्य आपका अच्छे से कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि 2021 का साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आएगा। 2021 के साल में नंबर 2 वालों को ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ज़्यादा कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा शांत रहना है, संयम रखना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिहाज से एक चीज़ और बता देता हूँ कि अपने आप में कोल्ड और कफ से दूर रहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो स्वास्थ्य में आपको थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़ी सी परेशानियाँ हो सकती हैं, बट ऐसी कोई भी मेजर बात यहाँ पर दिक्कतें नहीं हैं। 2021 का साल आप सभी के लिए मंगलमय रहे, आप सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर दीजिएगा, और वीडियो को जितना और जहां जहां शेयर कर सकें प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी फ्रेंड है जिनका मूलांक 2 है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर से फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि वो अपने साल को और भी ज़्यादा अच्छा बना पाएँ। इसके अलावा मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बताऊं 2021 आपके लिए कैसा है, एक रिटर्न में ईयरली प्रेडिक्शन आपको दूं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हर संभव मदद करूंगा, आपकी हर संभव मदद करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपके लिए 2021 का साल अच्छा बना पाऊं। धन्यवाद।